नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं गन और गनाबी, क्यूब और क्यूबॉइड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं और 10th क्लास में से ये शुरू होता है, लेकिन हर लगभग सभी कंपटीशन में, जैसे रीट में, पटवारी में, NTPC में, रेलवे में, PO में, इनमें सब में इसके सवाल आते हैं। इसलिए इसका बेसिक कंसेप्ट हम आज इसमें बताने जा रहे हैं। देखिए साथियों, मैं जैसे मैं एक लेता हूँ, ये अपने पास एक गत्ता है, शीशी है, दवाई किसी की भी है, लेकिन इसके बारे में हम जानते हैं। ये आपका गनाब का रूप है, आपने घर में देखा होगा, संदूक है, पेटी है, ये सब सारे क्या होते हैं, गनाब के आकार के होते हैं। जैसे आप स्कूल गए सभी तो टॉक का डिब्बा देखा होगा, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है, उसको हम गन के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, देखिए साथियों, इसमें कुल फलके कितनी होती है। जैसे एक फलक तो ये हो गई, एक फलक इसके पीछे वाली, दो फलके, फिर तीसरी, ये चौथी है, पांचवी है, छह, यानी छह फलके होती है इसके अंदर, ठीक है ना साथियों। और कोर जो होती है इसकी आपकी 12 होती है, 1 2 3 4, उसी प्रकार 4 पीछे 8 और ये 9 10 11 और ये 12, 12 फलके हो गई। और इसमें 8 शीर्ष होते हैं, देखिए 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 और 8, 8 शीर्ष, यानी कि इसमें 6 फलक 8 शीर्ष 12 कोर होती है। अब ये इसकी एक लंबाई है साथी, इसको हम लंबाई के हिसाब से जानते हैं, ये इसकी ऊंचाई है और इसकी ये बाकी जो बचता है एक चौड़ाई हो जाती है, इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं इसको खड़ा कर देता हूँ, तो इसकी चौड़ाई, ये ऊंचाई और ये लंबाई, ठीक है साथी। ये सब हम इसके बोर्ड पे सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस बोर्ड पे किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से बनाएंगे हम, बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका घनाभ बन गया। अब इसकी ये से ये आपकी लंबाई हो गई, लंबाई को ले से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई को ऊ से लिखते हैं और एच से भी लिखते हैं, और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है साथियों, ये बी चौड़ाई। अब हम इसके बात कर रहे हैं घन और घनाभ। पहले हम घनाभ की बात करते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्त। अब इसमें देखिए तीन चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ये बोर्ड है आपका, क्या है ये आयताकार है, ऐसे इसमें 6 फलके हैं जो आयताकार है, लेकिन जैसे इसकी मोटाई बढ़ जाती है, इस बोर्ड का अगर मोटा बोर्ड भी बोर्ड बोर्ड को बोर्ड रखते जाते हैं, मोटा हो जाता है, घनाभ का रूप ले लेता है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, बराबर। अब अपने पास देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें आयताकार फलक होते हैं, ये इसकी बात करते हैं इसकी, ये जो है आपके पास फलक सामने वाली, इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई, दो भुजा है, सेम भुजा पीछे भी है, इसलिए अपन यहाँ पे इसका सूत्र जो रहता है अपना, क्योंकि हर एक फलक दो बार आती है। जैसे मैं एक कॉपी लेके दिखाता हूं आपको, ये कॉपी है आपके पास, मेरे पास इसे, इसकी ये फलक है आपकी पेशी की, वैसी फलक इसके पीछे, ठीक है साथियों। तो यानी कि आयताकार फलक जो है वो आपकी दो बार आती है, और आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आपका यहां पे हम लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, और फिर आगे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है दोस्तों।
और इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं अधिकतर लोग, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है दोस्तों, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया घनाभ का। अब अगर आपके पास घन की बात पे चलते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल बी एच बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जीरो के बराबर करेंगे वो अपनी आकृति नहीं बनती है, बराबर है तब अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां भी अपना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इस प्रकार से होगा, देखिए अपने साथियों ये आप इसी सूत्र को मैं लिख रहा हूं यहां, लेकिन यहां एल बी एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे सब जगह एक चीज रख देते हैं एल। इस सूत्र में एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल एल इंटू एल। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास हो गया एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू थ्री एल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एल स्क्वायर या सिक्स भुजा स्क्वायर। ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हाँ तो साथियों, अपना जो सूत्र है घनाभ का आयतन, यानी घनाभ जो हम कोई भी वस्तु का आयतन ज्ञात करते हैं उसमें कितनी हवा भरी, जैसे कि कमरा है इसमें कितनी हवा भरी है, हम क्या करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई को गुणा करके जितनी इसकी ऊंचाई होती है उससे गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार इसमें भी इसका घनाभ का आयतन का जो सूत्र होगा वो आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लचऊ, शॉर्ट याद रखना तरीका लचऊ इंग्लिश में एल बी एच। ठीक है दोस्तों, अब हमें घन का आयतन चाहिए, घन का आयतन का सूत्र जो है अपने पास वो इस प्रकार से होगा। देखो इसमें क्या है, घनाभ का ही रूप घन है, घन में क्या होती है तीनों भुजाए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो यहां पे हम क्या इसी सूत्र से देखते हैं एल इंटू एल इंटू एल। ठीक है, एल क्यूब या हम इसको लिखते हैं भुजा होल क्यूब भुजा क्यूब। और इसके साथ हमेशा ध्यान रखिए आयतन के अंदर जो इकाई लगती है वो क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक डेसीमीटर है, और वर्ग के अंदर वर्ग जो क्षेत्रफल हम याद करते हैं उसमें वर्ग इकाई लगती है और इसमें घन इकाई लगती है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सवाल कहें इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। लेकिन अब साथियों क्या होता है, जैसे मैं किसी एक कोणे को दूसरे कोणे से मिलाता हूं, इस कोणे को इस प्रकार से मिला दिया, ये जो मिलता है इसको हम विकर्ण के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर द रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। हमें अब घन के विकर्ण की लंबाई, ठीक है दोस्तों, तो अपने पास देखिए साथ इसी से देखो, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आप यहां सीधा ये सूत्र इस प्रकार से भी ले सकते हैं एल अंडर रूट थ्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो भी इकाई होगी यहां पे लग जाएगी, हमेशा ही ध्यान रखिए। आपको सूत्र मैंने केवल समझाने के लिए बताया है, आपको केवल सूत्र याद रखना है। अगर सूत्र आप सूत्र समझ गए तो सूत्र जैसे मैंने समझाया समझ गए तो सूत्र बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आपको इतना लिखना कि सीधा ये आपको घन का आयतन चाहिए तो भुजा क्यूब। ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब हम प्रश्नावल पे चलते हैं 16.1 घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो सूत्र हमने अभी पढ़े हैं। तो सवाल जो अपना है कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले हमें क्या घनाभ का जो भी दे रखा अपने को
लंबाई चौड़ाई घनाभ की लंबाई L बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और चौड़ाई आपकी है, B आपका जो दिया है वो 9 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एक ही बात है। CM लिखो चाहे सेमी लिखो, एक ही बात है बच्चों साथियों। और इसकी ऊंचाई जो है आपकी, जिसको हम H से लिखते हैं, वो 5 सेंटीमीटर। आपको जो जो देर का उसको आप पहले लिख लीजिए। अब इसने पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो घनाभ यहां लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। ये संपूर्ण है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। तो यहां पे हमें क्या करना है, इसका जो सूत्र है आपका दो कोष्टक में एल बी बी एच और एच एल, ठीक है दोस्तों। ये सूत्र हमें याद है, तो पहले हमें सूत्र लिखना है, क्योंकि हम बोर्ड क्लास कंपटीशन में है तब तो हम सीधे सवाल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड क्लास में अगर आप बैठ रहे हैं, कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान का हो, एमपी यूपी बिहार कोई सा भी हो, सब में सूत्र का भी नंबर होता है, और कंपटीशन बैठने वालों को सीधा सवाल करना होता है, इसलिए वो सूत्र याद करके सीधे मान रख के हल करता है। तो ठीक है ना साथियों, यहाँ पे मैं याद रख देता हूँ, मान 12, लंबाई आपकी 12 इंटू 9 चौड़ाई है, प्लस 9 चौड़ाई इंटू ऊंचाई 5, प्लस 5 इंटू आपकी लंबाई जो है 12, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास हो गया ये 2 इंटू 12 नंबर का 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास क्या करना है, इनको जोड़ेंगे, 2 जोड़ लेंगे तो अपने पास हो जाएगा ये साथियों बराबर 2 इंटू 200, हम इसको गुणा कर लेते हैं तो अपने पास 426। अब अपने पास क्या है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों। अपने पास इसको यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अगर अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, यहां पे मैं लिखता हूं जैसे घनाभ का आयतन, ठीक है दोस्तों, बराबर अपने पास एल बी एच, यही सूत्र है अपने पास सीधा सा, यानी कि 12 इंटू 9 इंटू 5, इन तीनों को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास बराबर 540 आता है। और यहां पर इकाई चूंकि सेंटीमीटर है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, क्योंकि आयतन में जो इकाई आती है वो क्यूब में आती है, और क्षेत्रफल में जाती है वो वर्ग इकाई आती है। हाँ तो दोस्तों, अपना जो दूसरा सवाल ये है कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी, 3 घन है आपके पास, जैसे में घन है तो भुजाएं क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी की बराबर होती है। L1 में 8 लिख देता हूं सेंटीमीटर, L2 में 6 सेंटीमीटर लिख देता हूं, और L3 में 1 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अपने को जो दे रखा है वही मैंने लिखा है यहां जो, इन्हें पिघला के एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। हाँ तो अपने को इसको पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सबसे पहले यह होना चाहिए, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है ना, हमें पहले भुजा चाहिए, तो भुजा हम इंच के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या, हम नया जो घन बनता है, नए घन की भुजा बराबर हम एल मानते हैं। हम जानते हैं किसी भी चीज को पिघला कर दूसरी चीज बनाई जाती है, रूप परिवर्तित किया जाता है, तो आयतन कभी नहीं बदलता, ये चीज आप ध्यान रखिए, यानी पुरानी चीज का आयतन और नई चीज का आयतन जो बनती है वो बराबर होता है। यहां पे मैं लिखता हूं नए घन का आयतन एल क्यूब बराबर, पुराने 3 घन है, तीनों का L1 का क्यूब, L2 का क्यूब और L1 का
क्यूब। ठीक है दोस्तों, अपने पास ये 8 का क्यूब और 6 का क्यूब, 1 का क्यूब। 8 का जो क्यूब है अपने पास, देखिए आपका 512, 216 और 1। ठीक है दोस्तों, और ये अपने पास हो गया 700, इनको जोड़ लेते हैं अपने पास तो 729। यानी कि अपने पास जो है एल क्यूब जो अपना है 729 है, एल बराबर क्यूब रूट 729। क्यूब रूट है अपना अपने, तो क्यूब रूट का मतलब घनमूल ज्ञात करना हमें 729 का। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास इसका जो घनमूल, जो हम गुणनखंड के द्वारा भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, यहां मैं लिखता हूं इसका जो घनमूल आएगा अपने पास 9 आएगा। ठीक है, 729 का जो घनमूल है वो 9 है, यानी कि नए घन की भुजा अपने पास क्या आ गई 9, और अपने पास सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब इसके द्वारा हम नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, पृष्ठीय छोटा लिखा है मैंने, तो यहां होता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपने पास 6 इंटू 9 का होल स्क्वायर बराबर 6 इंटू 9 का एक स्क्वायर करेंगे तो क्रियाशील रहते हैं 9 इंटू 9 क्रियाशील, और इसको हम 6 से गुणा कर लेते हैं तो 6 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। हाँ तो साथियों, जो अपना तीसरा सवाल है वो है कि एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर यानी लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होती है। देखिए साथियों, जैसे कि ये संदूक है अपने पास, इसको ढकने के लिए इसके चारों तरफ कपड़ा चाहिए, इधर भी यानी 6 पलके हैं, 6 फलकों को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या क्या करेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके लिए हम क्या करते हैं, लंबाई अपने को दे रखी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 36 सेंटीमीटर CM लिखा मैं, और ऊंचाई आपको दे रखी है 25 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब हम संदूक का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे, हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। देखिए संदूक जो होती है अपनी कनाप के आकार की होती है, तो यहां मैं लिखता हूं LB BH और HL। ठीक है दोस्तों, यहां लंबाई आपकी 50 है इंटू 36 प्लस 36 इंटू ऊंचाई आपकी 25 प्लस आपके पास ऊंचाई आपकी 25 है इंटू 50। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आ गया। अब हम इनको गुणा करते हैं। अब इसमें क्या है, बीच बीच में दो दो संख्या गुणा हो रही है, गुणा आप कोई सी विधि जो आपको आसान लगती है उससे कर सकते हैं। अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो ये आपके पास 1800 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो ये 900 आ गया, और इसको हम गुणा करते हैं तो ये 25 125 1250 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे चलते हैं पर दो, अब इनको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपने पास रहेगा 3950। ठीक है दोस्तों, और अब इसको गुणा करता हूं मैं तो 0 2 से गुणा करता हूं, 0 2 5 10 हासिल का 1 9 18 1 9 हासिल का, और 3 6 1 7 इजिक्वल टू अपने पास हो गया 7900 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आप कितना कपड़ा उसको हमें चाहिए। अगर हम इसको मीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर का भाग दीजिए, 100 × 100 का भाग देंगे तो लगभग अपने पास जो भी 7 0.7 अपने यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक गणना है,
आगे अगर मीटर में पूछा तो मीटर में भाग देके कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अपना चौथा सवाल है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने पास देखिए इसका संपूर्ण एक पृष्ठ यानी कि जो घन है, घनाभ है, उसमें जो पृष्ठ जो होता है घन के अंदर 6 फलक होते हैं, फलक वो वर्गाकार होते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल इसने दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या हम एल स्क्वायर बराबर 100 लिखा दे रखा आपने को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको एल बराबर अंडर दी रूट 100 लिख देते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो एल बराबर अपने पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसने कहा है, जैसे कि चित्र बनाता हूं मैं इस प्रकार से, ये आपका घन बनाया मैंने घन, इसको समतल यानी यहां नीचे से बीचों बीच से काट दिया जाता है। ठीक है दोस्त, तो अपने पास देखो ये जो है ये तो अपने पास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी अपने पास 10 सेंटीमीटर है, लेकिन कटने के बाद ये जो आपकी 5 सेंटीमीटर रह जाएगी। अब इसका कटने के बाद जो अपने पास घनाभ बनता है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो घनाभ देखो इसने कहा है कि काट दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनाभ बन गया, घनाभ का सेका मतलब संपूर्ण, पे का मतलब पृष्ठीय, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है ना दोस्तों, दो कोष्टक में हम लिखते हैं एल बी बी एच और एच एल। ठीक है, अपने पास दो, अपने पास लंबाई आपकी 10 है, चौड़ाई आपकी 5 हो गई, 5 इंटू ऊंचाई 10 हो गई, प्लस ऊंचाई आपकी 10 है, लंबाई आपकी 10 है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको गुणा करते हैं, इस प्रकार मैं आगे करता हूं इसको इधर, तो अपने पास देखिए साथियों ये हो जाएगा 2 आपका जो है रही ऑलरेडी, अब इसमें 10 और 5 50 प्लस 10 इंटू 5 इंटू 10 तो ये अपने पास 50 और 10 इंटू 10 100 और हम इसको गुणा करते हैं बराबर और इनको जोड़ते हैं 50 50 और 100 जोड़ेंगे 200 आ जाएगा और इनको गुणा करते हैं अपने पास बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। हाँ दोस्तों, अपने जो पांचवा सवाल है, बगैर ढक्कन का बक्सा जिस 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है, उसके अंदर की और पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, पेंट की दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, इसने मोटी लकड़ी के से बना हुआ बक्से के बारे में कहा है, जो इसने लिख दिया वो हम यहां लिखते हैं बाहरी लंबाई। ठीक है दोस्तों, बराबर इसने लिखा है 146 सेमी बाहरी, चौड़ाई आपकी देर की इसने 116 सेमी। ठीक है, और बाहरी ऊंचाई है आपकी इसकी बराबर 83 सेमी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर की ओर पेंट कराना है, तो हमें इसके जैसे पहली सब चीज को समझ लेते हैं, ये बक्सा जैसे समतल भाग आपका इस प्रकार से
बक्से का समतल भाग है ये। अब इसमें क्या, जैसे ये 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर इधर से, तो अंदर की लंबाई कितनी, जैसे ये पूरी की पूरी आपकी 146 है, तो अंदर जाने के लिए 3 सेंटीमीटर इधर खिसकना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर इधर खिसकना पड़ेगा, यानी कि आंतरिक लंबाई जो है आपकी 146 माइनस 3 इधर से, माइनस 3 इधर से, बराबर अपने पास हो गया 140 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आंतरिक चौड़ाई आपकी जो हो जाएगी वो आपकी इस प्रकार से 116 है, 116 में से 3 बार, यानी 3 उधर ऊपर से, 3 ही नीचे से, तो अपने पास 3 माइनस 3 बराबर अपने पास 110 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास यह आंतरिक चौड़ाई। अब इसी प्रकार ऊंचाई, आंतरिक ऊंचाई जो हम ज्ञात करते हैं 83 माइनस, अब ऊपर से अपना बक्सा क्या है खुला है, तो इसमें से अपने क्या केवल 3 ही घटेंगे और आपकी 80 सेमी जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला बक्सा खुला है, ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है, तो ऊपर लकड़ी है ही नहीं, तो केवल एक बार ही हम 3 घटाते हैं। अब इसमें दिया है कि पेंट कराने का, अंदर की ओर पेंट कराना है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो बक्सा है, बक्सा का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB BH और HL। अब इन चीज ध्यान रखिए साथियों, इसमें ढक्कन नहीं है, यानी ऊपर का भाग बिल्कुल खुला हुआ है, यानी नीचे वाला भाग बराबर ऊपर वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग इसे ये है, इसको हमें वापस घटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें लिख देते हैं अपना जो सवाल है आपका, लंबाई टू चौड़ाई, जो आंतरिक लंबाई हमें लिखनी है, तो 140 इंटू 110 प्लस 110 इंटू ऊंचाई आपकी 83 प्लस 83 इंटू आपका 140। ठीक है दोस्तों, माइनस LB, L का मतलब 140 इंटू 110, ठीक है, बराबर अपने पास हो गया 2, कोष्टक में हम गुणा करते हैं अगर इनको, दोस्तों यहां मैंने पहले 83 लिया, 83 नहीं आंतरिक 80 है, 80 ही मैं लिखना है, तो अब हम गुणा करते हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो अपने पास 15,400, इनको गुणा करेंगे 8,800 प्लस इनको गुणा करेंगे 11,200, कोष्टक बंद, माइनस 15,000, इन दोनों को गुणा करेंगे 15,400। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम आगे इनको जोड़ लेते हैं, तो ये अपने पास इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये आगे 35,400 माइनस 15,400। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें आगे लिखते हैं, तो 35 जो ये अपने पास जाएगा बराबर 70,800 माइनस 15,400, तो अपना इसमें से घटा दे रहे 55,400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब ये तो आया अपना क्या है, अंदर का भाग, अंदर का क्षेत्रफल। अब हमें इसमें क्या, इसके अंदर पेंट करवाना 2 रुपए प्रति 1,000 सेंटीमीटर की दर से। ठीक है दोस्तों, तो उसका हमें खर्च याद करना है, यहां लिखेंगे चूंकि 1,000 वर्ग सेमी पर खर्च बराबर 2 रुपया। ठीक है, तो अपने इसलिए अपने पास 1 सेमी पर खर्च जो अपना है 2/1,000। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपना भाई 55,400 कुल क्षेत्रफल आया है, 55,400 इसमें कुल खर्च ज्ञात करेंगे 55,400 वर्ग सेमी पर खर्च। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास 2/1,000 इंटू 55,400। ठीक है दोस्तों, तो आपने 1, 2,
एक दो जीरो से जीरो कटिए, अपने पास जो बचता है ये अपने पास 2 × 554/10, ठीक है ना। तो अपने पास ये हो गया, इनको गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो अपने पास देखिए 4 × 8, ठीक है ना साथियों। अब अपनी यहाँ पे इसको गुणा करते हैं, 554 रह गया यहाँ पे, 2 रह गया, इसको गुणा करेंगे तो 1108/10 है, और इसमें 10 का भाग देते हैं 110.80 रुपए, ये अपना खर्च इस बॉक्स को कराने पर आएगा। साथियों अपना जो छठा प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। हम क्या करते हैं, पहले जो दे गया लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, हमने इसको 19 सेंटीमीटर लिख दिया, एक चीज तो यह हुई। दूसरा है इसने विकर्ण दे रखा, घनाभ का विकर्ण, ठीक है दोस्तों, बराबर होता है अंडर दी रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपके पास है। घनाभ अपने को दे रखा है, विकर्ण जो दे रखा है घनाभ का 11 सेंटीमीटर, यहां मैं बराबर 11 सेंटीमीटर लिखता हूं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, तो यहां अपने पास 11 का वर्ग हो जाएगा और इधर इसका वर्ग करेंगे तो किसी भी अंडररूट संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग संख्या अंदर जो संख्या होती है वो बाहर निकल कर आती है, तो अपने पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये समीकरण नंबर एक है और ये दूसरी होगी, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके लिए दोस्तों अपने एक बीज व्यंजक में सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सूत्र में देखो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एल बी एच जो देगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये आपका बराबर अपने पास यहां हम लिख देते हैं 19 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके पास देखिए अपने पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपके पास बराबर 11 है, ठीक है दोस्तों। समीकरण नंबर 2 से यहां पे आप देख भी सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रखने पर ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग आपका ये 19 का स्क्वायर हो गया और ए का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर अपने पास 11 का स्क्वायर हो गया प्लस कोष्टक में आपका एल बी बी एच और एच एल, ये हमने ए बी सी ए की जगह हमने एल बी एच मान रख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास ये 361 है, ये आपका पास 121 है, 19 का वर्ग 361 होता है और 11 का वर्ग आपका 121 होता है, आगे प्लस आपका जो देगा एल बी बी एच और एच एल, और अपने पास बराबर हो गया 2 कोष्टक एल बी बी एच और एच एल बराबर 361। तो अपना 361 में से 121 हम घटा लेते हैं, तो इसमें से घटाएंगे अपने बराबर, तो ये अपने पास 240 आपका सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ये जो सूत्र है आपका क्या है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें
और कोई भी आप दूसरे टॉपिक के बारे में भी जानना चाहते हैं या इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।